justice. We want justice. Sandeep Gulerya. Hi, hi. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के 19 वर्षीय लड़के जो कि एम्स के छात्र थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद एक प्रोटेस्ट यानी एक मांग प्रदर्शन शुरू होता है। इनकी क्या मांगे हैं, ये क्यों शुरू हुई, ये सब जानेंगे। आदित्य गोरे कैमरा पर्सन के साथ मैं अमन किशोर और आप देख रहे हैं देशहित न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ एम्स के कुछ छात्र मौजूद हैं, एम्स दिल्ली। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम तान्या है। ओके, रिक्वेस्ट करूँगा आप थोड़ा मास्क निकाल के आप ज़रा आगे आ जाएं। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम तान्या है। अच्छा मैम, आप किस ईयर की स्टूडेंट हैं? बी ऑप्टम मैं परस्यू कर रही हूँ और मैं इंटर्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बड़ी भली भांति से पूरा समझाएं कि क्या हुआ। 13th of August को हमारा एक जूनियर अभिषेक मालवीय, जिसका नाम है, फेज़ वन में पढ़ता था, उसकी डेथ हो गई और वो 3 दिनों से ICU में एडमिट था। वो जब हॉस्टल अपने PG में रह रहा था, क्योंकि उसे हॉस्टल नहीं मिला है तो वो PG में रह रहा था, तो उसने कॉल किया एम्बुलेंस को और जब तक वो रूम से ICU में एडमिट हुआ तब तक में बहुत एक बड़ा टाइम गैप आ गया, जो कि हमें लग रहा है एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी और उसने एम्बुलेंस को कॉल किया था बट एम्बुलेंस एम्स प्रेमिसेस के बाहर जाकर के बच्चे को नहीं उठाते हैं, तो उसमें बहुत डिले हो गया। और वो क्योंकि बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, तो उसने जो रेंट लिया था वो काफ़ी दूर में था, तो एक टाइम गैप आ गया उसके PG से एम्स के हॉस्पिटल में पहुँचने तक का। तो कहीं ना कहीं 3 चीज़ें, PG, रेंट और एम्बुलेंस। तो सबसे पहला सवाल, जब उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया तो क्या एम्बुलेंस आई, सही समय पे आई, क्या एम्बुलेंस की तरफ से कोई लापरवाही हुई? एम्बुलेंस नहीं पहुंची, क्योंकि ये प्रोटोकॉल में है कि एम्स की जो एम्बुलेंस है उसने कॉल किया तो वो एम्स तक ही रहेगी, एम्स कैंपस तक, कैंपस से बाहर नहीं जाती है। पर वो तो एम्स में पढ़ता था ना, तो एम्स से बाहर कोई अगर एमरजेंसी पेशेंट हुआ तो एम्बुलेंस नहीं जाएगी? वो एम्स स्टूडेंट जो उनका प्रोटोकॉल है कि एम्स हॉस्टल तक ही रहेगा, वो एम्स हॉस्टल में नहीं रह रहा था। ओके सर, मैं जानना चाहता हूँ जिस प्रोटोकॉल की बात करें, आप में से किसी ने भी उस प्रोटोकॉल को अपने से पढ़ा है? कहीं पे पेपर में लिखा हुआ कि ऐसा है कि एम्स कैंपस से बाहर नहीं जाएगा? जी, ये उनके क्लास के बच्चे, उन्होंने कॉल किया था, वो बोल रहे थे। अच्छा। तो उनको बताया गया यहाँ पे कि वो बाहर नहीं जाएगा। तो फिर क्या हुआ, बच्चे उनके जो फ्रेंड्स थे, वो फर्स्ट ईयर का बच्चा था, तो हमारे से भी ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रहता, हम सीनियर्स हैं, तो उन्होंने किसी तरह बाइक अरेंज किया। वो बाइक से बच्चे को एम्बुलेंस में क्या होता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, तुरंत मान लीजिए कोई पेशेंट है जो उसकी तबीयत ख़राब हो रही है तो उसको तुरंत उसको केयर मिलने लग जाता है। तो उसको बाइक से जब ये लोग ले के आए तो उसे काफ़ी डिले हो गया, हमें लगता है इसकी वजह से उसकी मौत हुई है। एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर वो समय तो कहीं ना कहीं अभिषेक मालवीय के दोस्तों ने एम्बुलेंस को कॉल किया था, वहाँ से ये जवाब आया कि इनका जो प्रोटोकॉल है कैंपस से बाहर नहीं जा पाएगा और इसलिए एम्बुलेंस सही समय पर नहीं पहुँच पाई। दूसरा चीज़, आप सभी लोग इधर हॉस्टल में भी कोई रहता है? आप हॉस्टल में रहते हैं, और कौन कौन हॉस्टल में रहता है, हाथ खड़े करें, अच्छे से हाथ खड़े करें। अच्छा, आप लोग हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, ये लोग जो हैं हॉस्टल में नहीं रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पर रहने की क्या सुविधा है, किस तरीके से रेंट है, महंगा है, सस्ता है, क्या परेशानियाँ उठानी पड़ती, क्योंकि एम्स गवर्नमेंट कॉलेज है? सर देखिए, जैसा कि एम्स के जो आसपास के एरिया हैं वो सर काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, तो हमारे सर हमें मतलब इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उतना सर PG का रेंट नहीं दे सकते, तो सर हमें दूर जाना पड़ता है। एम्स से मान लीजिए कि आपका 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से हमें चल कर आना पड़ता है, तो सर हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं था कि हम यहाँ पर पास में रहें, इस कारण से सर हमें दूरी रेंट देना पड़ता है। अच्छा, तो यानी मतलब जो एम्स के इर्द गिर्द के इलाके हैं वो महंगे हैं, तो आपसे एम्स से 10-15 किलोमीटर दूर रहते हैं, वहाँ पे थोड़े सस्ते मिलता है, आपको एम्स में हॉस्टल क्यों नहीं मिला? सर देखिए, इन्होंने जब भी हम जाते थे कि हमें सर हॉस्टल क्यों नहीं दिया रहे, तो ये हमें बोलते थे कि देखिए आपके जो प्रोस्पेक्टस हैं उसमें साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है कि आपको हॉस्टल नहीं मिलेंगे, तो आपने एडमिशन क्यों लिया, इस तरह के हमसे बातें करते थे। हमने इनसे कई बार मीटिंग्स वगैरह भी की बट इसका सर कोई रिजल्ट नहीं मिला हमें। हमने 2 साल तक लगातार अप्रोच किया, बहुत सारे लेटर्स दिए डायरेक्टर से, डीन से, रजिस्ट्रार से, हमने सबसे बात की बट सर ने उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला सर। अच्छा, तो अगर मैं शायद गलत नहीं हूँ तो जो एम्स दिल्ली के डायरेक्टर कौन है, रणदीप गुलेरिया जी, अच्छा क्या आप लोगों ने इनको अप्रोच किया? बहुत बार हम लोग गए थे, हमारे बच्चे लेटर्स लिखते हैं हम ना, तो उनसे हम डायरेक्ट मिल नहीं पाते, इनको PA को देते हैं या फिर जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है उनके PA को देते हैं, उसका जवाब हमें नहीं मिलता है। अब जो ये शुरू हुआ है, आप लोग का जो मांग प्रदर्शन के कितने दिन हो गए, 5 दिन? 5 दिन हो गए, और शायद उनके मृत्यु के भी 5 दिन हो गए, अभिषेक मालवीय जी की मृत्यु को भी 5 दिन हो गए। अच्छा सर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग ये मांग प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं?
बेसिकली हमारे जो भाई कह सकते हैं, आप कलीग कह सकते हैं, आप फेलो स्टूडेंट कह सकते हैं, वो जिस चीज़ों के थ्रू अभी जा चुका है वो हम भी जा चुके थे। और ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था हमारा और ये हमारा ही भाई था। इनको जो प्रॉब्लम्स आए हुए हैं वो हम रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें हॉस्टल मिला हुआ है। 2020 तक जितने भी स्टूडेंट्स आए थे सबको हॉस्टल प्रोवाइड किया गया था और उसके बाद हमारे प्रॉस्पेक्टस में दे दिया गया था कि उसके बाद हमारे प्रॉस्पेक्टस में ये लिखा गया था कि हॉस्टल अकोमोडेशन किसी को नहीं मिलेगा। जो हमारे उसके बाद के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स उसके बाद जो आए उनको हॉस्टल नहीं दिया गया। अब इसमें क्या होता है, जब हॉस्टल नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो एम्स के बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके अंडर वो स्टूडेंट्स फॉल नहीं करते हैं। जो कि जिनको हॉस्टल मिलता है वो ही वो उसका यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया एम्बुलेंस का। अब एम्बुलेंस के बारे में आप बोल रहे हैं, इन्होंने बताया जैसे कि इनको एम्बुलेंस को कैंपस के अंदर ही प्रोवाइड करते हैं अगर कैंपस में वो उनको अलॉटमेंट हुआ है तभी। अब कैंपस के बाहर मान लीजिए उनको मिला हुआ है तो इनका कहना यह है कि बाहर एम्बुलेंस नहीं जा पाती है। अब बाहर एम्बुलेंस नहीं जा पाए तो ठीक है, अब लोग ये कहेंगे ना कि अब इनको कोई दिक्कत थी तो ये खुद क्यों नहीं दिखाने गए हॉस्पिटल। अब उनको दिक्कत किस चीज़ की थी, कैसी थी, सिचुएशंस क्या थे, इस चीज़ में भी डिपेंड करता है ना। अब उनको क्या प्रॉब्लम थी, उनको हाइपोक्सिक स्टेट हो रहा था, नहीं दो तीन दिन पहले से नहीं, उनको माइल्ड फीवर था एक दो दिन पहले। तो माइल्ड फीवर इनको सबको इतना नॉलेज है कि क्या क्या खाना होता है, क्या क्या पैरासिटामोल से आपका फीवर एकदम डाउन हो जाता है। वो तो रेडी था, क्लासेस उनके चल रहे थे, लेक्चर्स सब कुछ चल रहे थे, नॉर्मल चल रहा था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे क्लासेस, हमारे एकेडमिक्स, तो वो रेडी थे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हो गया होगा उनका कि ऐसा था कि उनका तबीयत और ख़राब हो गया, उनको ब्रेथलेसनेस होने लग गई। तो उनको ये था कि मैं कॉल करता हूँ अपने रूम से, जो उनको पीजी मिला हुआ था जो कैंपस के बाहर था, उन्होंने दो चार फ्रेंड्स को कॉल किया, लेकिन उस टाइम 12 बज रहे थे, लोग सारे उनके जो बैचमेट्स थे उन्हीं को कॉल करेंगे। तो उन्होंने कॉल उठाया और वो लेक्चर्स ले रहे थे, किसी ने उठाया किसी ने नहीं उठाया। अब कोई आ तो नहीं पाएगा ना अपने क्लासेस से, लेक्चर्स से। और एक स्टूडेंट को ज्वाइन किए हुए अभी कितने महीने हुए होंगे, 3 या 4 महीने हुए उसको कोर्स आए हुए, तो वो कितने साल का बच्चा होगा, 19-20 साल का बच्चा। अब इतना मैच्योर तो होता नहीं है कि उसको क्या करना है आगे, किसके पास जाना है। अगर वो यहाँ पे हॉस्टल में रहा होता तो उसको नॉलेज भी होती कि यहाँ पे किसको बताना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन में, कहाँ कॉल करना पड़ता है कि तुम्हारे पास ये फैसिलिटीज़ आ जाए, एम्बुलेंस आ जाए, किसको बताना होता है, फ़र्स्ट कॉल किसको करना पड़ता है कि कोई तुम्हारे पास आए। ये हो गई पहली बात। दूसरा, आप लोग इसी मुद्दा को लेकर मांग प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दूसरी बात ऐसी, उसके बाद क्या हुआ, इसने ट्राई किया अपने फ्रेंड्स को कॉल करना। अब 2-3 बजे तक किसी फ्रेंड ने रिस्पॉन्ड किया जब वो फ्री हो गया। अब इनको पता चला कि उसकी हालत और ख़राब हो गई। अब उसके रूम में सारे गए, ये दो लोग इन जो स्टूडेंट्स हैं इसके रूम में गए और वहाँ पे देखा कि वो बहुत ख़राब हालत में है। एम्बुलेंस को कॉल किया और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मिल सकता इनको, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने डायरेक्ट वहाँ पे एम्बुलेंस की जगह उन्होंने मोटर बाइक का अरेंजमेंट किया और डायरेक्ट वहाँ पर ले गए, ठीक है। तो इनको इमरजेंसी लेगा और इमरजेंसी में डायरेक्ट उनको ये बोल दिया गया कि ये क्रिटिकल हालत में लाए हो इनको, और इनको आप पहले लाते तो इनको सेव किया जा सकता था, ठीक है। इनका ये सर, यहाँ पे मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि जब लाया गया तो ऐसा कहा गया वो क्रिटिकल हालत में, क्या आप वहाँ पे थे? हाँ या ना? हाँ जी, मैं वहाँ पे था। सामने की बातें हैं। हाँ जी, ये हमारे सामने की बातें हैं और हम मैक्सिमम यहाँ पे सारे बच्चे हम थे वहाँ पे, ऑन कॉल हम वेट कर रहे थे वहाँ पे। हमने ये भी देखा कि वो वहाँ पे क्या किसमें लगाया गया था, तो वो वेंटिलेटर FiO2 वेंटिलेटर 50% में पहले लगाया गया था और वो क्रिटिकल था। उसके बाद 100% में भी लगा दिया गया था, बाद में उसे ICU में शिफ्ट कर दिया गया था। तो हमारी बस ये डिमांड है कि ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के साथ ही क्यों, उनको ऐसा फील क्यों कराया जा रहा है। अब आप हॉस्टल की बात, चलिए हमें नहीं पता क्या उनका रीज़न है हॉस्टल नहीं देने का, लेकिन हम डिज़र्व करते हैं एज अ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, अगर बाकी कोर्सेज को मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए। अच्छा, हॉस्टल की जहाँ तक बात आती है, हमने ऐसा भी एक मिनट सर, मैं आपके पास वापस आऊँगा। हॉस्टल की जहाँ तक बात है, हमने ऐसा भी सुना है हॉस्टल में जो लोग रह रहे हैं
और जो लोग बाहर रह रहे हैं, किसी प्रकार का कुछ डिस्क्रिमिनेशन है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन है। जैसा कि मैं यहाँ रह रहा हूँ ना, मुझे हॉस्टल मिला हुआ है, तो मैं अपने लिए गेस्ट रूम बुक कर सकता हूँ, जो बाहर रहता है वो नहीं बुक कर सकता है। मैं हॉस्टल के अंदर हूँ तो मैं एम्बुलेंस बुला सकता हूँ, मैं लाइब्रेरी यूज़ कर सकता हूँ। बाहर का अगर आप 10 किलोमीटर दूर रह रहे हैं तो आप पढ़ने के लिए 10 किलोमीटर दूर लाइब्रेरी नहीं आएंगे, आप जिम यूज़ नहीं करेंगे, आप स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं यूज़ करेंगे, तो आपकी मतलब सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है, जिससे बच्चा डिप्रेशन में आने लग सकता है। और तो ये और कारण है जी, ऐसा है ना कि यहाँ पे आपको जैसा बताया था तानिया ने कि यहाँ पे मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे रहने का जो खर्च है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारे पास पैसे कम है, यहाँ मिडिल क्लास के लोग आते हैं एग्ज़ाम देके, सरकारी कॉलेज है, टॉप मोस्ट कॉलेज है इंडिया का और इवन एशिया का, तो इसके आसपास इतना महंगाई है कि ना हम आम बच्चे ना सर्वाइव नहीं कर पाते, तो हमें अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना घटाना पड़ता है, जिससे बच्चे को ना ये बहुत सारे डिजीज़ हुए हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हुए हैं वो हमें ना गंदे जगह रहने पे, ख़राब जगह रहने पे जो हो जाता है। हॉस्टल्स भी गंदे रहते हैं? नहीं, बाहर रहता था। हाँ, वो बाहर रहता था इसलिए हुआ, अगर वो हॉस्टल में रहता तो सफाई होती है रोज़, ठीक है, पानी, ड्रिंकिंग वाटर सेफ मिलता है हमें, लेकिन वो बाहर रहता था, अफोर्ड नहीं कर पाया होगा मे बी, क्या किसी के साथ क्या प्रॉब्लम है ये। पहले जो आपने पूछा था हॉस्टल्स ना मिलने पर, हॉस्टल्स पहली बात जब हम यहाँ पे रह रहे हैं, पोस्टिंग्स होती है हमारी 9 to 9 to 1, जब हम इंटर्न में नहीं रहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, और इंटर्नशिप की 9 to 5 की पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो जब हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं थर्ड ईयर में कम्युनिटी ऑप्था की पोस्टिंग लगती है, जिसमें कि हमें बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे भी जाना होता है। तो आप ये चीज़ इमेजिन करो, यहाँ से जाती है जो कैब जाती है वो दिल्ली कैंपस से जाती है, तो फिर वो बच्चा पहले 10 किलोमीटर से आएगा, हाफ एन आवर, 1 आवर 1.5 आवर वो लगा करके पहले वो यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ से वो कैब में जाएगा। आई मीन आप जस्ट थिंक कि 3-4 घंटे तो उसके ट्रैवलिंग में एक तरफ की जाने की लग गई। दूसरी हमारी झज्जर में पोस्टिंग लगती है, झज्जर में भी वापस से यहाँ से कैब जाती है, तो यहाँ पे आने के लिए पहले उसे हाफ एन आवर लगाना पड़ेगा। तीसरी बल्लभगढ़ में पोस्टिंग लगती है, वहाँ पे कभी ऐसा होता है कि रूम्स मिल रहे हैं, कभी होता है, अभी बीच में रूम मिलने बंद हो गए थे, बीच में रूम्स मिल रहे थे, तो आप समझ रहे हो जो हमारा एक पोस्टिंग शेड्यूल है, जो पोस्टिंग हमारी लग रही है उसमें भी हॉस्टल रिक्वायर्ड है। दूसरा लाइब्रेरी, जैसा इसने बताया यार, जो लड़कियाँ बाहर रह रही हैं वो ऐसा तो नहीं करेंगी ना 11-12 बजे तक लाइब्रेरी में रह रही है, फिर वो जा रही है कैब बुक कर रही है, कुछ कर रही है, सेफ्टी पर्पस भी आ जाता है, फिर जो भी एम्स प्रीमिसेस के फैसिलिटीज़ हैं वो भी यूज़ करने में डाउट हो जाता है। मेरा क्वेश्चन था कि एक ऐसी बात कहा जा रहा है कि हम लोग पूछते हैं हॉस्टल क्यों नहीं मिल रहा, तो एम्स कहती है कि भाई सीट्स बढ़ा दिए, तो फिर इसका काउंटर पॉइंट ये भी तो है कि फंडिंग भी बढ़ाई है, तब हॉस्टल क्यों नहीं मिल रहा? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी बन रही हैं, क्या कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसा बोले कोई मेगा प्रोजेक्ट चला रही है लोग, लेकिन वो हमारे कोस्ट पे क्यों? वहाँ पे MBBS बच्चों को भी तो, वो एक एक बच्चे एक एक सीट में रहते हैं, तो उनको डबल सीटर उनको बना दो ताकि हमारे लिए खाली हो जाए, हम भी उसके अंदर रहें, हमारे कोस्ट पे क्यों? हम यही पूछना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम ही क्यों मिले कि हमें बाहर कर दो, बाकी सबको फैसिलिटी दो, हमें बाहर कर दो। जी हमारा यही क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन से। और हर साल तो ऐसा नहीं है कि MBBS की सीट बढ़ती जाएगी, जैसे अभी मुझे हॉस्टल मिल रखा है, इसे हॉस्टल मिल रखा है, इन्हें हॉस्टल, इन सबको लोगों को मिल रहा है, तो एटलीस्ट जो हमारा रूम है वो तो आप सेफ रखोगे, जो हमें हमारे जूनियर्स को मिल जाए। आपने डायरेक्ट ये किया कि MBBS की सीट्स भराई, सीट्स हमारी भी भरी, हमारी भी सीट्स 20 से 24 हुई। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना अवेलेबिलिटी नहीं है कि आप हॉस्टल दे रहे हो, तो हमारी सीट्स क्यों बढ़ा रहे हो? अभी सुनने में आ रहा है 32 सीट्स हो रही है, ये जो आप सीट्स भी मत बढ़ाओ, हमारी भी हॉस्टल्स नहीं मिल रहे हैं, ट्यूटर्स नहीं हमारे पास, तो ऐसा क्यों? जो हमारे हॉस्टल्स हैं उनको तो सेफ रखो, तो हमारे जूनियर्स को मिल जाए, बट वो भी नहीं कर रहे। सब कुछ एम्स जो MBBS है उनको फर्स्ट डे पे हॉस्टल मिल जाता है, हमारा वेटिंग लिस्ट 2 months, 3 months, 1 year वो लग रहा है। तो दिस व्हाट वी कॉल दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच वी आर फेसिंग ऑन ऑल दी लेवल्स। तो फिर हमारा यही मानना है कि सब कुछ, और हॉस्टल हमारा एक और डिमांड है कि मॉनेटरी कंपनसेशन टू द स्टूडेंट, तो अभिषेक मालविया ये प्राइमरी डिमांड है हमारा हॉस्टल से भी ऊपर, कि मॉनेटरी कंपनसेशन स्टूडेंट को दिया जाए, जो कि वो बोल रहे हैं उनके प्रोटोकॉल में ही नहीं है कि कंपनसेशन वो किसी बच्चे को या किसी भी स्टाफ को दे। आप लोगों की ये मांगे हैं कि कुछ कंपनसेशन दी जाए अभिषेक मालविया जी के परिवार को। अब मैं आप लोगों से आपकी मांगे जानना चाहूँगा, आखिरी में कैमरा में देख के कौन मांगे बताना चाहेगा? आप आगे आ जाए सर, आप सर प्लीज, क्या है जो आप मांग प्रदर्शन कर रहे हैं मास्क उतारने? सर हम लोग इस स्ट्राइक के तहत अपनी 3 मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें से हमारी पहली मांग है कि मृतक के परिवारजनों को हम मॉनेटरी कंपनसेशन चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, जो कि उसकी उसका बेसिक राइट भी है, क्योंकि उन लोगों ने सफ़र किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है या फिर वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे बिलोंग करते हैं, इसकी ये एक मृतक का, और एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस एम्स इंस्टीट्यूट
ये उसका बेसिक राइट है। सेकंड हमारी डिमांड ये है कि जैसा कि अभिषेक मालवीय के साथ हुआ, तो हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा अभिषेक मालवीय यहाँ के साथ ऐसा कुछ हो। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो जो गलतियाँ, जैसे हॉस्टल ना मिलना, हॉस्टल अकोमोडेशन टाइम टू टाइम मिले बच्चों को, और दूसरी बात जैसा कि एम्बुलेंस सर्विसेज जो कि हमने बोला है वो टाइम टू टाइम बच्चों को मिले, तो ये हमारी दूसरी मांग है कि ये बच्चों को टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाए। और हमारी तीसरी मांग है, जो हम यूजी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, वो बंद जल्दी से जल्दी बंद किया जाए, क्योंकि इससे हमारे यूजीज़ के बीच में भी काफ़ी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। इस चीज़ को मैं चाहूँगा आप एलोबरेट करें, यूजी डिस्क्रिमिनेशन क्या? सर, यूजी डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कई जगह फेस करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मेस फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, स्विमिंग पूल, जिम खाना और ये सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम किसी इवेंट्स में या फिर मेस फैसिलिटीज़ में यूजी डिस्क्रिमिनेशन को आए दिन फेस करते रहते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं, इससे हमारे यूजीज़ के बीच में भी काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल रहता है, तो हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहते हैं अपने यूजीज़ के बीच में भी, कि स्ट्रेस फ्री रहें सारे बच्चे, सारे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें और सब लोग खुशहाल रहें। एज अ लोकल गार्जियन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी ये बातें जल्द से जल्दी माननी चाहिए, क्योंकि ये हमारी बेसिक राइट्स हैं। तो अब आप लोगों ने इनकी मांगें सुनी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आप ये बताइए कि क्या आप लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया, क्या आप लोगों ने ये मांगे उनको लिख के दी, और क्या आप लोगों से किसी भी अधिकारी पदाधिकारी ने बात किया, जैसे आपके डायरेक्टर वगैरह? सर, हमने डे फर्स्ट से ही अपने एडमिशन सर कंसल्ट करने की सर कोशिश की, और एडमिशन्स के द्वारा ओनली आश्वासन दिया गया कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, पर नॉट अबाउट इंश्योरेंस सर, मतलब लिखित में हमें कुछ जवाब नहीं मिला सर। अगर हम लिखित में बिना, अगर लिखित बिना जवाब के हम सर उठ जाएँ, तो हमारी मांग सर पूरी नहीं हो पाएगी। तो सर हम यही चाहते हैं, हमें लिखित में सारा चीज़ लिखित में हमें दो, तो हम इंश्योरेंस के बाद कराओ, तो हम आगे उठ पाएंगे सर। मैं जो अनुराग ने बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पांस और सारी कुछ, उसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी। पहली बात, जब जिस दिन अभिषेक मालवीय की डेथ हुई, उसके बाद भी दो घंटे तक बॉडी वहीं पे आईसीयू में पड़ी रही। हमने एम्बुलेंस का डिमांड किया कि एम्स एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाए और बॉडी बच्चे के घर तक जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि हमारे प्रोटोकॉल में है कि दिल्ली के अंदर तक ही एम्बुलेंस जा सकती है बॉडी को लेकर के, आउट ऑफ दिल्ली ऐसा कुछ प्रोटोकॉल में है नहीं। दूसरी बात, फिर बच्चे आक्रोशित हो गए और वो डायरेक्टर ऑफिस की तरफ आए। वहाँ पर दो तीन घंटे के बाद डायरेक्टर आए और उन्होंने थोड़ा सा स्पीच, कॉन्डोलेंस स्पीच देकर के चले गए। बट कि हमारा पॉइंट ये था उस टाइम पे कि हमारे से डायरेक्टर एक के एक करके बात करे। वहाँ पे एक बच्चा खड़ा होगा और वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा और जो भी चीज़ हो रही है वो चीज़ बताएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद हमारी जो डिमांड्स थी, हमने वो उसके लिए उन्होंने बच्चों को बुलाया, तो दो बच्चे एक बार गए, एक बार में उसी के साथ दो से तीन बच्चे गए, और जो एसोसिएट डीन थे उनसे बात हुई, तो हमने उन्हें साफ शब्दों में बोला कि सर, अगर आप आज हमें बोलोगे कि हम आपको रिटर्न में दे रहे हैं कि आपको हॉस्टल्स का अश्योरेंस दे रहा, हम ये नहीं बोल रहे आज हॉस्टल का एलोकेशन दो, नहीं, हॉस्टल एंड मॉनेटरी कंपनसेशन टू द स्टूडेंट, तो उन्होंने पहली बात कंपनसेशन के लिए डिनाई कर दिया। वी कैन हेल्प द स्टूडेंट, बट वी वोंट बी कंपनसेटिंग टू द स्टूडेंट, बिकॉज देयर इज डिफरेंस बिटवीन हेल्प एंड कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब एम्स इज गिल्टी, हेल्प मतलब ओके, वी आर फीलिंग पिटी फॉर द स्टूडेंट एंड हिज फैमिली, तो उन्होंने ये चीज डिनाई कर दी। दूसरा जो डिमांड हमारा हॉस्टल का है, उन्होंने बोला कि मैं क्या मोदी जी भी आकर के आपको ये अश्योर नहीं करवा सकते कि आपको आज के आज हॉस्टल मिलेगा। मैंने बोला हम ये चाह भी नहीं रहे, आप हमें एक टाइम दे दो कि हाँ, दो महीने में आपको हॉस्टल मिलेगा, तीन महीने में मिलेगा, छह महीने में मिलेगा, कहाँ मिलेगा उस टाइम के अकॉर्डिंग। आप एक हॉस्टल बनवा रहे हो तब तो उसमें टाइम लगेगा, और ये दो साल वैसे भी हो गए। अगर हाँ, हमारे रूम ऑलरेडी वैकेंट है, बहुत सारे रूम्स ऐसे जो हॉस्टल्स में वो वैकेंट है, हमें रीज़न नहीं पता है वो क्यों। जब आप प्रोटोकॉल चेंज कर रहे थे कि आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली आपने रिव्यू किया होगा कि वो रूम्स वैकेंट क्यों है। अभी वो बोल रहे हैं कि रूम्स वैकेंट है, ऐसा है तो गिव मी सम टाइम कि हम उसे रिव्यू करें कि वो रूम्स वैकेंट क्यों है। तो हमने बोला दो साल का टाइम तो दिया, अब कितना टाइम चाहिए? वो बोल रहे हैं नहीं, दो साल की बात इज़ दो साल की बात, हम वो फ्रेश से स्टार्ट करेंगे। तो हमें दो साल भूल जाओ, और ये 2019 से चल रही है बात। तीसरी चीज़, फिर हमने उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको तो हम रिटर्न में कुछ नहीं देंगे, हम बस रिटर्न में ये दे सकते हैं कि एक वापस से मीटिंग सारी अथॉरिटीज़ के साथ होगी, लेकिन हम ये आपको ये भी नहीं बता सकते कि उस मीटिंग में हम आपको अश्योर करेंगे कि आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं, मॉनेटरी कंपनसेशन होगा या नहीं, ये हम अश्योर नहीं करेंगे। तो हमने बोला ठीक है, फिर वील कंटिन्यू द स्ट्राइक। उसके बाद वापस से हमारे पास एक मेमोरेंडम आया फ्रॉम द रजिस्ट्रार कि आप ये जो एरिया है
वो वैकेंट करो, स्ट्राइक को कॉल ऑफ करो और मीटिंग के लिए रेडी हो जाओ, जो कि कल की स्केड्यूल्ड मीटिंग है 18th of August 10 o'clock। तो हमने बोला कि हम मीटिंग उसी दिन करेंगे, बट वी वोंट बी कॉलिंग ऑफ द स्ट्राइक। वाई? बिकॉज दो साल हो गए हैं, हम जो बच्चे हैं कलेक्टिवली उनका ये डिसीजन है कि हम अब इतना ट्रस्ट इन पे नहीं है कि हम उस दिन वो कुछ अश्योरेंस दें। और ये वो भी नहीं बोल रहे हैं कि ठीक है हम अश्योर उस दिन करवा देंगे मीटिंग में। अगर वो बोल रहे हैं कि मीटिंग में आपको अश्योरेंस मिल जाएगी तो हम स्ट्राइक को हटा देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि आप मीटिंग करवाओ, तब तक बच्चे यहीं पर रहेंगे, मीटिंग में अश्योरेंस मिल जाएगा, आते ही बाहर स्ट्राइक का जो भी एरिया है वो हम खाली कर देंगे। तो आप लोगों ने ये जाना कि इनकी मांग क्या है और ये किस लिए मांग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों ने ये भी जाना कि प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है जो ये लेटर्स लिख के दे रहे हैं। टेक्निकली मुझे ये वीडियो यहाँ पे एंड कर देना चाहिए क्योंकि आपको सारा मुद्दा पता चल चुका है, लेकिन एक और बात, एक सवाल और उसके बाद एक मुद्दा। क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को मीडिया से दूर रखा जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं भी आया तो मुझे भी समस्या हुई आप तक पहुंचने में, जहां पर आपको एलोकेट किया गया प्रोटेस्ट साइट, आप एक तरह का हॉल है, एक बड़ा सा जो आपका ओपन एरिया, आप वहीं पर प्रोटेस्ट करें। क्या आप लोगों को लगता है कि मीडिया से आपको अप्रोच, हालांकि हम अभी बता दें हम गेट नंबर 2 के बाहर खड़ा होके ये हम कर रहे हैं, आप क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल सर, हमें मीडिया से दूर रखा जा रहा है और कैसे भी करके मुद्दे को दबाया जा रहा है जी। आपको? हाँ डेफिनेटली मैं इस बात को एग्री करना चाहूँगा, मीडिया को काफ़ी दबाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है एम्स के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, और ये कहा जा रहा है कि आप कवर मत करिए, आप अपने टीवी में मत दिखाइए, आप ऑनलाइन अपने पोर्टल्स में मत डालिए, आप आर्टिकल्स भी मत लिखिए। बिल्कुल, ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि हम जहाँ भी जिसको भी इंटरव्यूज़ जो भी बच्चे जा कर के दे रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है आप ऑन एयर क्यों नहीं डाल रहे, वो बोल रहे हैं उनके जो सीनियर है वो मना कर दे रहे हैं। तो हालांकि ये बात है, मीडिया को तो कवर करने का मौका देना ही चाहिए, हमें क्यों रोका जा रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये इनका पक्ष था, एम्स अपना पक्ष आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी। अभी के खबरों में इतना ही, बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए देशहित न्यूज़।